क्या ही बोले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो अभी भी डाउट है, मेरे पे नहीं शिवानी भी है कि भाई रास्ते में वो हिमाचल वाला है वाली। तो गाइस इसी के साथ हम रवि भाई और शिवानी जी को यहाँ पर अलविदा करने आगे हुए हैं। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम कब मिलते हैं रवि भाई और शिवानी जी से। तो पठानकोट से हमने बस नहीं ली क्योंकि पठानकोट से बस लेते तो ये काफ़ी लेट हो जाना था, तो हमने पठानकोट जो बाईपास है मुमून का वहाँ से बस लेने का सोचा। तो रवि भाई जी और शिवानी जी काफ़ी लेट ना हो जाए, तो हमें काफ़ी अभी फील हो रहा है कि रवि भाई और शिवानी जी कहाँ मुँह छुपा रहे हो। तो उनके मुँह के ऊपर धूप नहीं जानी चाहिए ना, थोड़े अच्छे नहीं लगते। शिवानी जी क्यों टैक्सी में क्यों नहीं गए आप, हमें बताइए जरा। क्योंकि रवि लेके नहीं जा रहा। रवि मैं क्यों लेके जाऊंगा, मैं खुद स्पॉन्सर करके आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। लाया गया है, छोड़ने जा रहा हूँ, एक ही बात है। तो जो कि शिवानी महंगा था, काफी महंगा था। तो जो कि रेट को देखते ही मतलब डिसाइड हो गया कि बस मैं जाना है। रवि के लूज मोशंस बंद हो गए। जिसको पैसे देने थे उसके लूज मोशन बंद हुए थे, एक्चुअली पैसे शिवानी को देने थे। तो समझ रहे हो, मुझे तो अभी भी डाउट है, मेरे पे नहीं शिवानी भी है कि भाई रास्ते में वो हिमाचल वाला है वाली चली जाएगी, कहीं कंडक्टर ना तंग हो जाए, कहने का मीन्स यही है। इसी के साथ गाइस कि मेरा तो यही है, भगवान से प्रे कर, तो इसी के साथ गाइस मेरी तो यही है कि भगवान से मैं प्रे करता रहूँगा कि शिवानी जी और एक बात बोलना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात काट के। अभी आप देख सकते हैं भैया जी कितने नर्वस हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है पता, पीछे देखो तो बस खड़ी है और सारे लोग घूर के इधर देख रहे हैं, देखो ये क्या चल रहा है आखिर। तो क्या होता है ना कि जो नया नया कोई ब्लॉगर होता है, से नए तो नहीं है काफ़ी पुराने, पर थोड़ा नर्वस हो जाता है, हो रहे हो ना नर्वस। बिल्कुल सही, इस चीज़ को थोड़ा मतलब ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, लोग देखते हैं देखने दो, है ना। बिल्कुल सही, हमें अपना काम करना है, हम व्लॉगर हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, शायद हो सकता है कोई पहचान गया हो। बिल्कुल सही बात, आपको भी जिनको जानते हैं उनको तो पहचानते ही है ना, सारी दुनिया जानते हैं। सही बात। तो मेरा कहना यही था कि मैं, हम और रीमा यही रास्ते में प्रे करते रहेंगे शिवानी जी को रवि भाई आप सही सलामत ले जाए, कहीं बस खड़ी करने की नौबत ना आनी पड़े। क्यों शिवानी जी? बिल्कुल नहीं होता। वैसे तो मैंने फिट कर दिया मेडिसिन मोडिसन दे के खिलाफ ला के कि शिवानी जी रवि भाई बड़े अच्छे से पहुँच जाए। एक बात जो मैं बोलना भूल गया, भाभी जी चाहते थे कि मैं इस वीडियो में मेरा डायलॉग तो भाई मतलब क्या ही बोले दोस्तों वो बोलूँ, तो अभी मैं बस मेरे माइंड में आ गया वो चीज़ यहाँ पे कि जैसे कि लोग घूर रहे हैं ना यहाँ पे, इनको देख के मैं यही बोलूँगा, मतलब क्या ही बोले दोस्तों, पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं ऐसा कैमरा की तरफ, ये लोग क्या कर रहे हैं, बट क्या करें भाई, ऐसे में कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। ये तो है शिवानी जी। बट फिर भी मैं एक बात बोल दूं कि शिवानी जी काफ़ी अच्छा फील कर रही है, मैंने देख लिया शिवानी जी, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और शिवानी जी को मैंने स्पेशली बोला हुआ कि आप नेक्स्ट टाइम भी कभी यहाँ से जाएंगे तो जरूर। रवि भाई जी भी लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं कि मौका ना छोड़ना पड़े। शिवानी जी कहाँ गए? तैयार हो ना रास्ते के लिए, क्या करते बचा लिए ना, 3000 बचा के दीजिए तो खुश हो, पता चलेगा हिमाचल वालों और वाली की सामने आई। हां भाई मैं तो ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बट स्टिल कर सकते हो, कर सकते थे, टैक्सी कर सकते थे, आगे क्या बोले आप। चलो गाइस बाकी यहाँ से जैसे ही बस मुझे लगता है डायरेक्टली धर्मशाला के लिए तो मिलेगी नहीं, बट उसको जहाँ तक भी मिलती है वहाँ तक हम जाएंगे और फिर आपको आगे आगे अपडेट देते रहते हैं कि कब हम धर्मशाला में पहुँचते हैं। बाय 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 आगे। और वापस भी आना है दोबारा पठानकोट, ये नहीं है, और स्पेशली रवि भाई जी को शिवानी जी को लेके आना है। गाइस एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार, जो भी इस व्लॉग को देख रहा है लोग के सपोर्ट करना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया काफ़ी मतलब पूरा फैमिली वाला फील था, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी थैंक यू कि आपने भी इतना हमारे लिए कीमती टाइम निकाल के आया, और बिल्कुल भाइयों जैसी आपने सपोर्ट की,
और हमें भी अपने घर के मेंबर जैसे बिल्कुल फील हो रहा है कि अभी हम जा रहे हैं, हमें काफी दुख हो रहा है। और पीछे से रीमा को ज्यादा फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं शिवानी जी के इतने गैजेट है, उसमें कोई लाखों रुपए के गैजेट है, कोई उठा के ना ले जाए। क्या ही बोले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की ये मोमेंट है, अभी हम जा रहे हैं। गाइस एक ही बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है यार, वीडियो को लाइक करना एंड खूब के सपोर्ट करना भाई को, ठीक है? क्योंकि जितना भी टाइम यहाँ पे रहा हो ना भाई, मतलब पूरा फैमिली वाला फील आया है। अगर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी रीनव ब्लॉग्स चैनल पे अगेन, और दुआ करता हूँ कि वो टाइम जल्दी से जल्दी आए।